हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। सो टुडे आई विल टॉक ऑन जीबीपीयूटी 22 एंट्रेंस अपडेट्स फॉर यूजी, पीजी, पीएचडी एंड एमसीए प्रोग्राम्स। एंड नाउ एग्री अपडेट्स आर रेडी फॉर ऑल अपडेट्स ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम्स विच विल हेल्ड इन 22 एंड स्पेशली फॉर जीबीपीयूटी एंट्रेंस 22 अपडेट। गज काफ़ी दिनों से आप लोग परेशान हो 22 के एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट्स को लेकर। लास्ट ईयर तक अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे, लेकिन 22 में अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे 22 इंपॉर्टेंट डेट्स की, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा, लास्ट डेट क्या होने वाली, एंट्रेंस एग्जाम्स कब तक होगा और बहुत सारी साइट्स की अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें 22 के लिए तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 के रिगार्डिंग नहीं रिलीज किया गया है। अभी आपकी जो पीएचडी काउंसलिंग होनी है वो अभी नहीं हुई है, ठीक है। 21 के लिए 2021 का अभी तक पीएचडी का फाइनल काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि 11 मार्च को होना है। तो जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो 11 मार्च के बाद ही आएगा। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके की बात बता रहे हैं, लेकिन देखो यार ऑफिशियल चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका 22 डेट होने वाला है वो आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप सभी की MBA के लिए कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से जो आपका एप्लीकेशन ABM MBA दो ईयर के प्रोग्राम्स के लिए, टू ईयर प्रोग्राम जो आपका CABM का होता है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। लेकिन बात करें UG, PG, PhD के लिए तो 22 सेशन के लिए कहीं भी आपका कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। सबसे पहले आपका एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा 22 एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जहां से आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नोटिस वगैरह कब आएगी ये चीज़ हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन अभी आपका 11 मार्च को जो पीएचडी की काउंसलिंग हो रही है 21 के लिए, उसके बाद ही 22 का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूजी, पीजी, पीएचडी और एमसीए प्रोग्राम से इन चार का एक साथ एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। और बात करें तो ये फॉर्म आपका कब तक आ जाएगा वो आगे हम आपके साथ बात करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रेगुलर यहाँ पे 22 के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो नाउ वी टॉक ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर जीबीपीयूटी 22 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ऑफिशियल डेट, यहाँ पे हम बात करेंगे पूरी तरीके से 22 डेट की। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑफिशियल डेट नहीं है, ये केवल टेंटेटिव की गई है हमारी तरफ से, जो कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा। जैसे कि बात करने में पता चला कि 11 मार्च से पहले आपके फॉर्म नहीं आएंगे, तो जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 22 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो 11 मार्च के बाद ही आएगा। तो जो हमने डेट प्रेडिक्ट किया है वो है ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबिलिटी का, वो है 3rd week of March 2022 में। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च के आसपास तक रिलीज किया जा सकता है। वहीं बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपका अप्रैल मंथ का 4th week हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हर साल होता है आपको पूरे तरीके से यहाँ पर 1.5 महीने का टाइम मिलता है, 45 दिन का टाइम मिलता है, तो जो लास्ट डेट होने वाला है वो आपका अप्रैल महीने का 4th सप्ताह होने वाला है, ठीक है। वहीं लास्ट डेट विथ लेट फी की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट आप सभी के एंड होने के बाद भी 1 week एक्स्ट्रा मिलता है, लेट फी के साथ आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है टिल 1st week ऑफ मई, यानी कि मई महीने के पहले सप्ताह तक आप लोग लेट फी के साथ अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को लेकर, तो आपका जो यूजी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है वो 15 से 20 जून के बीच में निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन MCA और PG के लिए ये आपका 20 जून को तय है, ठीक है। बिल्कुल आप इसे ऑफिशियली मान सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका यूजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 से 20 के बीच में कभी भी, और पीजी का 20 जून को बिल्कुल ये होना है, ठीक है। वहीं एप्लीकेशन फी जैसा कि आप सभी को पता हो जाएगा बाद में, जनरल ओबीसी के लिए 770 रुपये फी लगते हैं यहाँ पे आप सभी लोग के लिए, और SC ST PH के लिए 750 रुपये फी लगते हैं, ठीक है। पीजी का भी सेम वहीं रहता है, कोई वहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज़ हम आपको बाद में भी इन्फॉर्म कर देंगे, अभी केवल आप इंपॉर्टेंट डेट्स से मतलब रखिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी लोग के लिए फिर से रिपीट कर दूँ, 3rd week of March तक आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप सभी की लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिलिंग के लिए, और जो लेट फी के साथ आप लोग 1st week of May तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि जल्दी आपको इसके रिकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाली है, तो 11 मार्च के बाद ही आप लोग इसका वेट कीजिए, ठीक है। ये थी छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट, काफ़ी सारे लोग इसको परेशान थे, काफ़ी लोग मुझसे आस कर रहे थे कि जीबीपीयूटी के अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लास्ट ईयर तक अभी अपडेट आ गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा पीएचडी की काउंसलिंग होने की वजह से लेट है, और जो लोग एमबीए के लिए इंटरेस्टेड हैं
वो लोग 31 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। MBA और ABM जो 2 ईयर का प्रोग्राम्स होता है उन सभी में आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर आपका UG, BSc, AG वगैरह से कंप्लीट है तो। ठीक है, यदि छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो हमसे कमेंट बॉक्स में आप आस्क कर सकते हैं, पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।